बेंगलोर के लिए निकले हैं। अभी सुबह के 6 बज गया है। हम जहाँ भी जाते हैं थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं, और यहाँ से हैदराबाद से बेंगलोर ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर है, तो जल्दी निकलने से हम 12 या 12:30 तक आफ्टरनून में पहुँच जाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर टेम्पल बन रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। साउथ इंडियन लोगों के टेम्पल का स्टाइल ही कुछ अलग होता है। ये देखिए किया का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंडिया का, बहुत ही बड़ा है। रास्ते में और भी बहुत अच्छा अच्छा जगह आया, लेकिन आज मेरा तबीयत थोड़ा, इतना दिन घूम घूम के थोड़ा मुझे टायर्ड फील हो रहा है, इसलिए मैं नहीं की वीडियो। ये टोल गेट है, अभी हम बेंगलोर सिटी के अंदर जा रहे हैं। आफ्टरनून फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा होटल। हम लोगों को बेंगलोर पहुँचते पहुँचते थोड़ा लेट हो गया, बाहर बहुत ट्रैफिक था। ओम को देखिए आके फ्रेश हो के, उसके बाद वो ड्रायर ड्रायर रूम का सब खोल के बापरे, एयरपोर्ट के बाद इतना ट्रैफिक रहा, क्या कुछ इंसिडेंट या कुछ हुआ था ऐसा लगा। तो मेरे हस्बैंड फिर से यू टर्न करके दूसरे रोड पकड़ के हम लोग आए, जितना टाइम सोचे थे उससे थोड़ा लेट हो गए हम लोग। ये देखिए हमारा रूम, ये किचन एरिया है, एक माइक्रो ओवन और एक स्मॉल साइज का फ्रिज, सब रूम पूरा छोटा किचन टाइप का रूम है। ये यूटिलिटी एरिया है, इधर से बाहर दिख रहा है। मुझे ऐसे टाइप का विंडो अच्छा लगता है, नेट टाइप का, तो मस्कीटो फ्लाइज या कुछ छोटा मोटा इंसेक्ट नहीं आ सकेगा। बेंगलोर का वेदर तो ऐसे भी थोड़ा ठंडा रहता है, इसीलिए इधर एसी का कुछ ज़रूरत ही नहीं है। ये बेडरूम मैं आके कुछ, मेरा लगेज कुछ सेट नहीं की हूँ, आज थोड़ा रेस्ट ले लूँगी, उसके बाद मैं सेट करूँगी। ये वाला बाथरूम है,
ये वाला विंडो साइड, ये बेड है और बेड के राइट साइड में एक एयर प्यूरिफायर है। देखिए हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट आ गया। इधर होटल में ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंटरी है। ओम को ये वाला चटनी और सांभर बहुत पसंद है, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा खा है, ऐसे थोड़ा थोड़ा स्पून में खा लेता है। इधर देखिए एक कबर्ड में ऐसे प्लेइंग कार्ड्स था, इसको भी वो खेल रहा है, प्लेइंग कार्ड्स सिर्फ सजा के ऐसे रख रहा है। कोई भी डूइंग आई एम शॉपिंग।